आंखों में कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप लोग भोलेनाथ की रील्स वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज अभी के टाइम पर ना भोलेनाथ की रील्स वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ यार, तो इस वाली वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, पूरी वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। सो हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वाई टेक पंकज में। तो चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए अब आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहले आप लोग यहाँ पर कुछ इंस्टाग्राम के अकाउंट्स देखो जो लोग महादेव के ऊपर रील्स वाली वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपको प्रूफ आप सभी को दिखाने वाला हूँ, प्लस आपको बनाना भी सिखाऊंगा। तो इसके मत करना यार, पूरी वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो गाइस यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट है, ठीक है ना। ये मैंने एक पेज ओपन करके रखा हुआ है जो है भोलेनाथ स्टेटस के नेम से। अब इन्होंने मात्र 448 पोस्ट अपने अकाउंट पर पोस्ट करी है और इनके फॉलोअर्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 7,59,000 फॉलोअर्स है गाइस, 69,000 सॉरी, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने रील्स वाली वीडियोस अपलोड कर करके उन पर ज्यादा फॉलोअर्स गेन किए हैं। ये देखो 12 के, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख के पार, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ठीक है। तो आप लोग कैसे इस तरीके के रील्स वाली वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, आपको सब कुछ बताने वाला हूं, तो आप लोग बने रहिएगा इस वाली वीडियो में। बाकी यहां पर देखो और भी काफी सारे अकाउंट हैं, ये देखो 211 पोस्ट इन्होंने यहां पर करी हैं, रेवी रील्स की वीडियोस यहां पर अपलोड कर रहे हैं और इनके भी बहुत ही अच्छे खास यहां पर व्यूज आ रहे हैं। आप लोग ऐसी वीडियोस कैसे बनाएंगे अभी आप लोग को बताऊंगा, तो आप लोग बस बने रहना। अगला यहाँ पर ये है देखो, इन्होंने 757 पोस्ट करी अपलोड और 11.7 के इनके फॉलोअर्स हैं गाइस यहाँ पर, ठीक है। और ये भी रील्स वाली वीडियोस अपलोड करते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के इस टाइप की जो वीडियोस हैं ना वो अभी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। और महाकाल का स्टेटस आप में से हर कोई लगाना पसंद करता होगा, मैं खुद लगाता हूँ यार, ठीक है। तो अब आप लोग कैसे बना पाओगे वो सब कुछ बताने वाला हूँ। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा अगर आपको करना है, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट चलते हैं। बट उससे पहले एक बात और कि अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो गो एंड फॉलो मी। तो चलिए अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर और आपको भी आ जाना होगा। एंड यहाँ पर आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है एंड आप लोग यहाँ पर आकर के सर्च करेंगे BN, ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा, इसको सिंपली अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिएगा। अब अगेन आपको यहाँ पर सर्च करना है Pinterest। अब जो आप सभी को बता रहा हूँ बस आप लोग वो करते रहिए, यहाँ पर प्रिंटर सर्च कर लेने का, आपको इसको सिंपली अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है। अब सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रिंटरेस्ट को ओपन करूंगा। आप लोग अपनी ईमेल आईडी के थ्रू साइनअप वगैरह कर लीजिएगा, इजी सा प्रोसेस है। देन नीचे देखो सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है महादेव या महाकाल HD वॉलपेपर। आप देखो कितने सारे वॉलपेपर यहाँ पर आ जाएंगे, आप कम से कम 10 से 15 वॉलपेपर अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। सारे के सारे HD वॉलपेपर हैं, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करो, ऊपर देखो 3 डॉट दिख रहा होगा यहाँ पर, इस पर क्लिक करो और यहाँ पर देखो डाउनलोड वाला बटन आ जाएगा, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, सारे के सारे फुल HD में होंगे और यहाँ पर बिल्कुल कमी नहीं है। और एक चीज ध्यान रख लेना कि यहाँ पर कोई वॉटर मार्क ना हो, जैसे कि इसमें देखो नीचे वॉटर मार्क आ रहा है, तो आप लोग चाहें तो उसको डाउनलोड करने का सिंपली क्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो ये मैंने पहले से क्या कर रखे हैं, डाउनलोड कर रखे हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमें जाना है BN एप्लीकेशन में। हमने BN एप्लीकेशन ओपन किया, अब यहाँ पर हमें करने का है, हमें यहाँ पर पहले तो सॉन्ग चूज करना है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में जो सॉन्ग प्ले करके दिखाया था, तो उसी सॉन्ग यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। बाकी मैंने ये स्टेटस बनाया भी है तो आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बनाया हुआ है, तो अब हमें करने का है, हमें सिंपल यहाँ पर एक सेकेंड बैक चलते हैं, यहाँ पर हमें इस प्लस पे क्लिक करना है, देन हमें न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमने जो फोटो हमने डाउनलोड करे थे वो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप मैक्स टू मैक्स यहाँ पर कम से कम 6-9 फोटो सिलेक्ट कर लो, ठीक है ना। देन आपको इस एरो पर क्लिक करना है और ये आपको इस तरीके से फोटो आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग के लिए करने का ये लास्ट वाला, इसको डिलीट कर दो। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉन्ग को ऐड करना है। तो हम यहाँ पर म्यूजिक पर क्लिक करेंगे और ये सॉन्ग यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बीट पकड़नी है, ठीक है। हमें क्या करना है, बीट पकड़नी है, तो हम सुन लेते हैं पहले से। देखो यहाँ पर एक बीट आई, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें इस इमेज को इतना क्रॉप करना है यहाँ तक, ठीक है। हम क्या करेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको और यहाँ पर हमें इसे लेकर के आना है, ठीक है। आप देखना, ठीक है, यहाँ पर हमें थोड़ा और छोटा करना है इसको। अब जो मैं समझा रहा हूँ वो समझते रहो। इतना करने का तुम्हें प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग इस तरीके का जो इफेक्ट है,
ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देखना सही। तो ये जो है ये बीट पे आप सभी गाना चाहिए, तो आपको ये थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि देखो सही है, ये बीट पे बिल्कुल हमारा आ रहा है। अगर हम चेक कर लेते हैं और नेक्स्ट हमारी बीट कहाँ आ रही है, यहाँ पर आ रही है। दूसरी बीट हमारी यहाँ पर आ रही है, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ तक ले आएंगे, देन अगेन प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम अगेन ये वाला लेते हैं। ठीक है, अब देखो सही है। इस तरीके से आपको क्या कर देना है, पूरा का पूरा जो स्टेटस है वो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग जो है बीट पर बना लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है, तो फिलहाल मैं इसको क्लोज करता हूँ और अपना जो पुराना वाला मेरा जो था मैं सिंपली इसको क्या करूँगा यहाँ पर ओपन कर लूँगा। देन ओपन कर लेंगे, आपको करने का वो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये हमने म्यूजिक यहाँ पर ऐड कर रखा है और ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर इस पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग के लिए मैं एक इफेक्ट दूंगा, ठीक है ना, उस इफेक्ट का आप लोगों को यूज़ करना है। ये रहा वो इफेक्ट, आप लोग इसको क्या करेंगे इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और इसको फुल स्क्रीन पर आपको इस तरीके से ले आना है, ठीक है ना। देन आपको यहां पर ये जो देखो मोशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप लोग को क्लिक करना है और यहां पर आपको कोई सा भी मोशन चूज कर लेना है। मैं फर्स्ट वाला फेड वाला यूज करूंगा। देन आपको क्या करना है, नीचे देखो आपको एक स्लाइड दिख रही होगी, आपको इधर करना है और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिख रहा होगा ब्लेंडिंग का, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लाइटन या स्क्रीन को चूज कर लेना है। तो मैं लाइटन चूज करूंगा, देन यहाँ पर हम राइट पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा पूरी स्क्रीन में आ गया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा इफेक्ट आपको चेंज करो वो दिखेगा, ठीक है। ये देखो ये जो ऊपर से नीचे कर रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हो गया, अब आपका जो स्टेटस है पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, आप लोग चेकआउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके आपको क्या कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं स्टेटस रील्स वाली वीडियो, ऊपर आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है, देन यहाँ पर ये आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब देखो ये एक तरीका था कि हम कैसे करके जो है वो भोलेनाथ का स्टेटस बनाएंगे फोटोज के साथ। अब अगर आपको वीडियोस के साथ स्टेटस बनाना है, जैसे कि यहाँ पर आप सभी को मैं दिखाऊं, तो ये लोग बना रहे हैं, यहाँ पर मैं गया तो यहाँ पर भोलेनाथ के बहुत सारे स्टेटस आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं अपने अकाउंट पर चलता हूँ, यहाँ पर फॉलोइंग में चलते हैं और यहाँ पर मैंने भोलेनाथ के स्टेटस को फॉलो कर रखा है, ठीक है। अब देखो इन्होंने वीडियोस के साथ यहाँ पर कुछ बना करके रखे हुए हैं, अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं वो भी आप सभी को बताऊंगा। ये देखो ये भी बताऊंगा आप सभी को, ये भी बनाने से कहूंगा आप सभी लोगों के लिए। तो ये सब कुछ मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं, तो आप लोग फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग ऐसे आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनको मिस ना कर सकें। बाकी हमारी वीडियो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, तो जाइए फटाफट से बनाइए। और इतना मैं कहना चाहूँगा कि यार फटाफट जाओ अपना अकाउंट बना सकते हो आप लोग इस तरीके का और यहाँ जाकर के उनको पब्लिश करना शुरू कर दो। बाकी गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मैं आपके ऐसे और वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तो गुड बाय, जय हिंद।